पढ़ने जाएंगे आगे डिटेल में समझेंगे कि उससे रिलेटेड कौन कौन से कॉन्सेप्ट uh, होते हैं कौन कौन से रूल्स होते हैं और हर रूल पे बेस्ड थोड़े से एग्जाम्पल्स भी करेंगे ताकि हमारी और समझ बेटर हो तो सबसे पहले शुरू करते हैं नाउन से ठीक है तो नाउंस का हम देखते हैं कि हमारा लेसन टारगेट आज का क्या है हम ये समझेंगे कि नाउन्स के कौन कौन से काइंड होते हैं नाउन जेंडर कंपाउंड जेनेटिव इन बेसिस पे अलग अलग रूल्स होते हैं ये सारे हम समझेंगे और वेरियस रूल समझेंगे हम विद एग्जाम्पल्स तो ये आज हमारा लेसन टारगेट है नाउन्स को लेके तो आगे बढ़ते हैं सबसे पहले वॉट इज नाउन ठीक है तो नाउन आर पार्ट ऑफ स्पीच दैट दैट्राइज वर्ड्स दैट आर यूज टू नेम पीपल प्लेसेस एनिमल्स ऑब्जेक्ट्स एंड आइडियाज ऑलमोस्ट एवरी सेंटेंस विल डेफिनेटली हैव अ नाउन एंड दे परफॉर्म डिफरेंट रोल्स इन अ सेंटेंस ठीक है नाउन्स कैन एक्ट एज अ सब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एंड एन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ठीक है तो नाउन बेसिकली क्या होते हैं हमारे नेमिंग वर्ड्स होते हैं किसी भी एनिमल प्लेस थिंग हर किसी भी चीज को जब नेम करते हैं हम तो वो हमारे कहलाए जाते कहलाए जाते हैं नाउन्स कैन एक्ट है सब्जेक्ट एंड इंडायरेक्ट कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एंड एन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट तो इसका क्या मतलब होता है ये सब हमने डिस्कस कर लिया था पार्ट्स ऑफ तो स्पीच वाली वीडियो में कि क्या हमारे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होते हैं ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होते हैं है ना तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आप पार्ट्स ऑफ तो स्पीच वाली वीडियो को स्किप करके आए हैं तो वो आपके लिए बेटर नहीं होगा आपके लिए ज्यादा अच्छा यही होगा कि आप उस वीडियो में जाके समझें डिटेल में कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं ठीक है तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ नाउन तो एक होता है हमारा प्रॉपर नाउन एक हमारे होते हैं कॉमन नाउन कलेक्टिव नाउन मटीरियल नाउन और एबस्ट्रैक्ट नाउन तो ये सारे मैंने आपकी लिस्ट बता दी किन कैटेगरीज में हम नाउन को क्लासीफाई कर सकते हैं आगे इन सब को डिटेल में समझ लेते हैं सबसे पहले शुरू करते हैं प्रॉपर नाउन से तो प्रॉपर नाउन्स नाउन्स दैट आर यूज टू तो मेक नेम अ पर्सन प्लेस और थिंग स्पेसिफिकली यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट शब्द हमारा स्पेसिफिकली है आर कॉल्ड प्रॉपर नाउन प्रॉपर नाउन्स ऑलवेज बिगिन विद अ कैपिटल लेटर ठीक है एग्जाम्पल में माई नेम इज रोज तो यहाँ पे इस सेंटेंस में किसी एक पर्सन की बात हो रही है जिनका नाम रोज है ठीक है तो ये एक हमारा प्रॉपर नाउन होगा क्योंकि एक पर्टिकुलर पर्सन का एक पर्टिकुलर नाम बताया गया है दिस इज डॉग ब्रूनो अगेन यहाँ पे एक पेट की बात हो रही है जिसका नाम ब्रूनो है तो एक पर्टिकुलर नाम बताया गया है दिस इज अ प्रॉपर नाउन डेविड केम बैक फ्रॉम मिंक्स ठीक है तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर जगह का नाम लिया गया है ये भी एक प्रॉपर नाउन है और डेविड क्योंकि एक पर्टिकुलर पर्सन को हमने नेम करके बात कर रहे हैं तो ये भी आपका एक प्रॉपर नाउन है नेक्स्ट है हमारा लुई फिलिप इज अ फेमस ब्रांड फॉर मेन्स क्लोदिंग तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर ब्रांड की बात करी जा रही है तो ये पूरा हमारा अगेन एक प्रॉपर नाउन हो जाएगा तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा प्रॉपर नाउन्स क्या होते हैं प्रॉपर नाउंस होते हैं जब आप हम किसी पर्टिकुलर या किसी स्पेसिफिक इंसान की या किसी पेट की या किसी ब्रांड की बात कर रहे होते हैं तो वो हमारे प्रॉपर नाउन्स हो गए इसी के ऑपोजिट होते हैं कॉमन नाउन्स ठीक है कॉमन नाउन्स क्या होते हैं कॉमन नाउन्स जेनेरिक आइटम ठीक है यहां पे की वर्ड है हमारा जेनेरिक तो जेनेरिक आइटम ग्रुप और प्लेस दिस मीन्स दैट अनलाइक प्रॉपर नाउन्स दे आर नॉट यूज टू आइडेंटिफाई अ स्पेसिफिक पीपल स्पेसिफिक पीपल प्लेसेस और ऑब्जेक्ट कॉमन नाउन्स आर नॉट कैपिटलाइज अनलेस दे अपियर एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस ठीक है तो ये कैपिटल भी नहीं होते हैं ये किसी स्पेसिफिक चीज की बात नहीं करते हैं ये जेनरिक चीज की बात करते हैं मतलब जैसे कि मैं बोलूं आई बॉट अ पेन तो मैं ये स्पेसिफाई नहीं कर रहा हूं कि मैंने कौन सा पेन लिया ना तो मैं कलर के हिसाब से स्पेसिफाई कर रहा हूं ना मैं ब्रांड के हिसाब से स्पेसिफाई कर रहा हूं है ना तो ये मेरे को ये बताता है कि पेन जो है एक मेरा कॉमन नाउन है ठीक है आई एम गोइंग टू स्कूल तो कौन से स्कूल जा रहा हूं ठीक है ना तो मैं ग्रेड वाइज का आ,

तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन क्या होते हैं और उनके बीच में डिफरेंसेस क्या होते हैं नेक्स्ट तो हमने लिस्ट में कलेक्टिव नाउन्स का भी जिक्र किया था अब समझ लेते हैं कि कलेक्टिव नाउन्स डिटेल में होते क्या है तो अ कलेक्टिव नाउन इज अ नेमिंग वर्ड दैट इज यूज टू डिनोट अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट यहां पे ग्रुप शब्द पे आपको इंसिस्ट करना चाहिए फोकस करना चाहिए अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स एनिमल्स और पीपल्स तो जिन भी शब्दों के यूसेज से हम किसी ग्रुप की बात करते हैं किसी चीजों की ग्रुपिंग की बात करते हैं तो वो हमारे कलेक्टिव नाउन्स होते हैं एग्जाम्पल कलेक्टिव नाउन्स फॉर अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स तो एनिमल्स की ग्रुपिंग में जैसे अ फ्लॉक ऑफ शीप अ स्व ऑफ बीस अ हर्ड ऑफ एलिफेंट तो ये जितने भी हमारे अंडरलाइन शब्द हैं अभी सामने ये सारे कलेक्टिव नाउन हुए सिमिलरली कलेक्टिव नाउन्स फॉर ग्रुप ऑफ पीपल तो अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक्टर्स एक ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस होता है वो बैंड कहलाया जाता है अगेन डायरेक्टर्स होते हैं किसी इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर्स हुए किसी कॉलेज के डायरेक्टर्स हुए है, है ना तो ये सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहलाए जाते हैं अगेन कंपनी ऑफ एक्टर्स होता है यानी कंपनी जो शब्द होता है उससे हम एक्टर्स की ग्रुपिंग करते हैं नेक्स्ट कलेक्टिव नाउन फॉर अ नंबर ऑफ थिंग्स ठीक है किसी चीज को क्वांटिफाई करने के लिए हम कैसे आ, शब्द को यूज, शब्दों को यूज करते हैं वो समझते हैं तो अ पेयर ऑफ शूज शूज हमेशा पेयर में आते हैं तो जो पेयर शब्द होता है अपने आप में वो एक कलेक्टिव नाउन होता है अ चेन ऑफ माउंटेन्स तो जैसे एल्प हो गई हिमालय हो गई ये सारी चेन ऑफ माउंटेन है ठीक है तो ग्रुपिंग चेन शब्द से हो रही है और अश फ्लीट ऑफ शिप्स ठीक है बहुत सारी जब साथ आती हैं तो उनको फ्लीट शिप्स बोलते हैं तो आपको क्लियर आगे बढ़ते हैं तो अब नेक्स्ट जो है हमारी वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं हमारी एनी एंटिटी दैट कैन नॉट बी परसीव बाय फाइव सेंसेस ऑफ ह्यूमन बॉडी आर कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स अब थोड़ा सा समझने में शायद मुश्किल हो रही होगी बट वेट एब्स्ट्रैक्ट uh, नाउंस को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ देखिए जैसे टेबल एक शब्द है ना टेबल एक ऐसी चीज है जिसको मैं परसीव कर सकता हूँ उठा सकता हूं मैं उसे कहीं और प्लेस कर सकता हूँ सिमिलरली ऐसे नाउंस भी होते हैं जिनको मैं अपनी ह्यूमन uh, सेंसेस से हम परसीव नहीं कर सकते बट दे आर देयर वो होते हैं जैसे आपको एग्जाम्पल के तौर पर मैं बोलू नॉलेज तो इस लेक्चर के थ्रू आपको नॉलेज तो मिल रही है पर क्या हम उसको uh, अपने सेंसेस से ऐसे फील कर सकते हैं हम उठा के नहीं कहीं रख नहीं सकते ना नॉलेज तो ये एक हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया नॉलेज अपने आप में ठीक है तो और से समझते हैं कि जैसे लव इज अ स्ट्रॉन्ग इमोशन यहां पे लव हमारा एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी यहां पे ऑनेस्टी हमारी एक एब्स्ट्रैक्ट uh, नाउन हो गई इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज टू रेज योर वॉइस एंड स्टैंड अप अगेंस्ट इनजस्टिस तो यहां पे आपकी करेज एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया यू शुड नॉट मिस यूज द फ्रीडम दैट यू आर गिवन फ्रीडम ये एक आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया तो अगेन जिन चीजों को हम अपने फाइव सेंसेस से परसीव नहीं कर सकते तो वो हमारे नाउंस उस तरह के नाउंस हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउंस होते हैं ठीक है ये हमने समझ लिया नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा मटीरियल नाउन मटीरियल नाउंस डिनोट सब्सटेंसेस और फिजिकल मैटर विच कैन इंक्लूड अ रॉ मटीरियल और सब्सटें यूज इन मैन्युफैक्चरिंग एग्जाम्पल स्टील वुड वाटर एंड गोल्ड ठीक है तो एज द नेम सजेस्ट आई होप ये आपके लिए मतलब काफी क्लियर uh, रहा होगा तो मटेरियल नाउंस क्या होते हैं जो आपकी uh, किसी भी चीज की मेक को बताते हैं किस मैटर का वो बना हुआ है किस मटेरियल की कोई चीज बनी हुई है जैसे uh, मेरे सामने एक टेबल रखी है टेबल इज मेड ऑफ वुड ठीक है पीपल वेयर रिंग्स वो रिंग पहनते हैं तो रिंग क्या होती है रिंग गोल्ड की हो सकती है सिल्वर की हो सकती है तो मटीरियल जिस जो शब्द किसी चीज का मटीरियल स्पेसिफाई करते हैं वो हमारे मटीरियल नाउन होते हैं ठीक है स्टील वुड वाटर गोल्ड नेक्स्ट अब हमारे दो और इंपॉर्टेंट कैटेगरी है नाउन्स की जिनको हमें समझना होगा ये सारी कैटेगरीज हमें आगे हमारी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में हेल्प करेगी तो एक है हमारा काउंटेबल नाउन और दूसरे हैं हमारे अनकाउंटेबल ब्रीफली तो यही मतलब है इनका कि जो काउंट हो सकते हैं वो हमारे काउंटेबल हुए और जो जिन चीजों को मैं काउंट नहीं कर सकता जिन चीजों को मेजर नहीं कर सकता वो मेरे अनकाउंटेबल नाउन हुए पहले भी जैसे मैंने आपको नॉलेज का एग्जाम्पल दिया था तो नॉलेज ऐसे हम मेजर नहीं कर सकते ना कि टू फिफ्टी ग्राम नॉलेज हाफ हाफ के जी नॉलेज तो वो हमारी अनकाउंटेबल नाउन हुई नेक्स्ट इनको डिटेल में समझ लेते हैं दोज नाउन दैट आर दैट कैन बी काउंटेड और मेजर्ड ट्रिप तो यहाँ पे स्पेसिफाई करा हुआ है तो ये हमारे उससे मैं क्वानिफाई कर पा रहा हूँ हमारे ऐसे नाउन है जिनको मैं क्वान्टिफाई कर पा रहा हूँ ये डजन शब्द से ठीक है आई सॉ एन एरोप्लेन अराउंड सेवन इन द मॉर्निंग

तो यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं कर पा रहा हूं मैं होमवर्क एक ऐसा नाउन है जिसको मैं मेजर नहीं कर सकता हूँ काउंट नहीं कर सकता हूँ हमारा कुछ शब्द ऐसे होते हैं जैसे वो पर फर्नीचर भी एक हमारा ऐसा नाउन है जिसको मैं काउंट नहीं कर सकता हूँ वी आर फेसिंग टेरेबल वेदर टूडे तो वेदर अगेन एक मेरा नाउन होगा, जिसको मैं काउंट नहीं कर सकता है, मेरा अनकाउंटेबल नाउन हो गया वेदर कैसा है इस चीज का जवाब हमें मिल सकता है कि वो क्लाउडी है सनी डे है स्टॉर्म चल रहा है लेकिन कितना वेदर है ये हम कभी जवाब नहीं दे सकते ना तो वो मेरा अनकाउंटेबल नाउन में आता है तो स्टूडेंट्स आई होप अब आपको समझ आ गया होगा कि क्या क्या अलग अलग कैटेगरीज होती है नाउन की हमने अनकाउंटेबल काउंटेबल नाउन भी समझे हमने मटीरियल नाउन एब नाउन समझा कॉमन प्रॉपर ये सारे टाइप्स ऑफ नाउन समझ लिए तो अब हम एक एक करके सारे रूल्स समझेंगे जो कि नाउन्स के बेसिस पे क्वेश्चन हमारे सामने आते हैं तो उनके बेस उनके क्या बेसिस होता है किन कॉन्सेप्ट्स पे वो 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 बिल्ड होते हैं क्वेश्चंस हम एक एक करके समझेंगे और उन्हीं के साथ साथ उनपे बेस्ड क्वेश्चन भी करेंगे तो पहला रूल मेरा कहता है नाउन्स एंड वर्ब्स विद सेम स्पेलिंग बट डिफरेंट स्ट्रेस ये ज्यादातर आपको वैसे हेल्प स्पोकन इंग्लिश में करेगा पर हमारे लिए ये समझना भी जरूरी है कि, कि किसी एक सेंटेंस में सेम शब्द नाउन की तरह भी यूज हो सकता है और वर्ब की तरह भी यूज हो सकता है तो उसका डिफरेंस समझ लेते हैं तो विद सम वर्ड्स वेन द स्ट्रेस इज ऑन द फर्स्ट सिलेबल द वर्ड इज अ नाउन वेन द स्ट्रेस इज ऑन द सेकेंड सिलेबल द वर्ब इट इज यूज एज अ वर्ब ठीक है मतलब रिलेटेड से हो सकते हैं लेकिन आ, क्या यूसेज है किसी सेंटेंस में किसी शब्द का वेदर वो नाउन की तरह यूज हो रहा है या वर्ब की तरह वो हम समझते हैं जैसे मैं एक सेंटेंस कंसिडर करता हूँ ये वाला we we have have finished book one. We have made a good progress. ठीक okay? है तो अगर आप प्रोनाशिएशन पे फोकस करोगे तो पहले आप पी आर ओ प्रो जो हमारा सिलेबल है इसमें उस पर ज्यादा स्ट्रेस कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे एज अ नाउन यूज हो रहा है ये प्रोग्रेस जबकि सेम ही शब्द को प्रोग्रेस शब्द को अगर हम वर्ब की तरह यूज करें तो सेकेंड सेंटेंस पे आप देख सकते हैं कि वी आर नाउ रेडी टू प्रोग्रेस टू बुक टू तो यहाँ पे हम ज्यादा स्ट्रेस जो डालेंगे वो सेकेंड सिलेबस में डालेंगे सेकेंड सिलेबल में तो इस तरह से हमें यह भी अपने अंदर इंकल्केट करनी चाहिए हैबिट ये भी समझ बनानी चाहिए अपने अंदर कि किसी शब्द का जिसकी स्पेलिंग सेम है लेकिन उसको कैसे अलग अलग सेंटेंस में अलग अलग तरह से यूज करा जा सकता है कहीं पे वो एज अ नाउन यूज हो रहा है कहीं पे एज अ वर्ब सेकंड एग्जांपल में माय सन्स कॉन्डक्ट एट स्कूल हैज बिन वेरी गुड ठीक है तो यहां पे कॉन्डक्ट जो शब्द है एज अ नाउन यूज हुआ है मेहर यूज टू कंडक्ट द वियना फिलहार्मोनिक ठीक है तो ये वियना फिलहार्मोनिक कोई सेशन होगा मे बी तो मेहर मेलर जो पर्सन है उन्होंने इसको कंडक्ट कराया तो कंडक्ट जो यहां पे है हमारा एक वर्ब बनता है ठीक है तो यहां पे एज अ वर्ब यूज हो रहा है यहां पे एज अ नाउन यूज हो रहा है तो ये समझ भी हमारे अंदर होनी चाहिए कि एक शब्द को किस तरह से यूज किया जा रहा है तो अब हम आगे कुछ एग्जाम्पल्स कर लेते हैं इसी के बेस पे अंडरलाइन द सिलेबल दैट यू वुड स्ट्रेस दिलेबल स्पीकिंग यहां पे आपका ये ऑब्जेक्टिव है कि आप किसी शब्द को उसका वो पार्ट अंडरलाइन करें जहां पे आप ज्यादा स्ट्रेस डालोगे तो आपको ये समझ आनी चाहिए कि ये एज अ नाउन यूज हो रहा है एज अ वर्ब यूज हो रहा है तो आई नीड अ परमिट टू वर्क इन दिस कंट्री यहां पे एज अ नाउन यूज हो रहा है तो हम पीई आर पे ज्यादा स्ट्रेस डालेंगे आई कांट परमिट यू टू पार्क हियर तो ये एज अ वर्ब यूज हो रहा है ना अब इस सेकेंड सेंटेंस में तो यहां पे हम एम आई टी पे ज्यादा स्ट्रेस डालेंगे विल दे इंक्रीज माई सैलरी दिस नेक्स्ट ईयर तो यहां पे जो इंक्रीज शब्द है मेरा वो एज अ वर्ब यूज हो रहा है इसलिए यहां पे हम ज्यादा स्ट्रेस डालेंगे क्रीज पे आई एम लुकिंग फॉर एन इंक्रीज इन सैलरी ठीक है अब यहां पे जो इंक्रीज शब्द है वो एज अ नाउन यूज हुआ है ठीक है तो यहां पे हम आई एन पे ज्यादा स्ट्रेस डालेंगे तो स्टूडेंट्स आपसे एक्सपेक्टेड रहेगा अगेन कि आप ये बाकी के सारे एग्जांपल्स को सॉल्व करें अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में डाल सकते हैं हम आपको सॉल्व करके वो भी बताएंगे इसी तरह आपको सारे ये 24 सेंटेंसेस पे ट्राई करना चाहिए और आपके अंदर ये समझ बननी चाहिए कि कौन सा शब्द कहाँ पे एज अ नाउन यूज हो रहा है और कहाँ पे एज अ वर्ब यूज हो रहा है अब हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट अपने रूल uh, पे तो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ेंगे कंपाउंड नाउन्स के बारे में कंपाउंड नाउन क्या होते हैं आपके जब भी किसी नाउन में एक से ज्यादा पार्ट्स होते हैं और उनको जोड़ के एक नाउन बनाया जाता है तो वो हमारे कंपाउंड नाउन्स होते हैं एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे लिखा है डांसिंग शूज ठीक है तो एक हाइफन है बीच में और दो शब्दों को जोड़ के एक नाउन बनाया गया है डांसिंग शूज वो हमारे कंपाउंड नाउन हुआ और एग्जाम्पल्स हम तो समझ सकते हैं जैसे हम बोलते हैं मदर इन लॉ ठीक है मदर हाइफन इन हाइफन लॉ ठीक है फिर अगर कोई वॉच हुई जैसे जो गोल्ड की बनी हो तो गोल्ड वॉच ठीक है जरूरी नहीं है कि हमेशा बीच में एक हाइफन ही लगाओ गोल्ड वॉच तो ऐसे जो हमारे नाउन होते हैं जो एक से ज्यादा पार्ट्स को जोड़ के बनते हैं वो हमारे कंपाउंड नाउन्स होते हैं तो यहां पे बोला गया है कि वी कैन मेक कंपाउंड नाउन्स विद द आई एन फॉर्म एग्जाम्पल डांसिंग शूज ठीक है हमने समझ लिया सेकेंड चीज द आई एन फॉर्म कैन समटाइम्स बी एन एडजेक्टिव तो कुछ शब्द होते हैं जिनका आई एन फॉर्म

द आई एन जी फॉर्म कैन बी यूज एज द फर्स्ट पार्ट ऑफ अ कंपाउंड नाउन तो अगर मैं एक एग्जाम्पल कंसिडर करता हूँ आई नीड अ पेयर ऑफ डांसिंग शूज तो यहाँ पे अब सेम शब्द है डांसिंग पहले एग्जाम्पल में हमने समझा था कि कपल की बात हो रही है तो एक कपल है जो नाच रहा है दूसरे एग्जाम्पल में कह रहा हूँ आई नीड अ पेयर ऑफ डांसिंग शूज मुझे एक शूज चाहिए डांसिंग वाले तो मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं यहाँ पे कि एक शूज जो आपस में नाच रहे हो एक शूज ऐसे चाहिए जो डांसिंग के पर्पज से यूज हो तो यहां पे जो हाइफन है वो लग जाएगा मेरा हाइफन जो डैश लग रहा है और ये एज अ नाउन यूज हो रहा है पूरा एक ये सिंगल कंपाउंड नाउन है तो ये क्लैरिटी आपके अंदर होनी चाहिए कि कहां पे एक आईएनजी फॉर्म एडजेक्टिव का फॉर्म ले रहा है मतलब ले रहा है और कहां पे उसका कहाज है एक नाउन कंपाउंड नाउन दिखाने के लिए तो वेन द आई एन जी फॉर्म इज अउन वी स्ट्रेस द फर्स्ट वर्ड ओनली एंड द हाइफन इज ऑप्शनल ठीक है कुछ हाइफन हो भी सकता है हाइफन नहीं भी हो सकता जैसे हमने इस एग्जाम्पल में समझा था कि जैसे कोई गोल्ड वॉच है ठीक है वो अपने आप में कंपाउंड नाउन है लेकिन जरूरी नहीं है कि उसके आगे में हाइफन लगाऊं तो आगे इसके बेसिस पे कुछ आ, एक, हम एक्सरसाइज कर लेते हैं पुट अ टिक इफ द सेकेंड वर्ड इज पार्ट ऑफ अ कंपाउंड नाउन ठीक है तो यहां पे जैसे यू नीड अ पेयर ऑफ रनिंग शूज तो यहां पे सही में कंपाउंड नाउन है क्यों क्योंकि यहां पे शूज ऐसे नहीं है जो खुद दौड़ रहे हो मतलब वो एक पूरा कंपाउंड नाउन है ये ऐसे शूज हैं जो रनिंग के पर्पज से यूज हो रहे हैं ठीक है सेकेंडली कर लेते हैं वी सैट बिसाइड अ रनिंग स्ट्रीम ठीक है तो यहां पे अगर देखेंगे तो रनिंग तो एक स्ट्रीम है मतलब एक नदी होगी जो बहरी होगी तो यहाँ पे जो रनिंग है वो किसी की एडजेक्टिव बता रहा है ठीक है वो एक कंपाउंड नाउन नहीं है तो यहां पे नहीं यूज होगा ठीक है पुट इन द फ्राइंग पैन ठीक है तो फ्राइंग जो है अगेन एक एडजेक्टिव बता रहा है यहाँ पे वो ये नहीं बता रहा है कि आ, वो ये नहीं बता रहा है आपका कि वो एक एडजेक्टिव है सॉरी वो एक ये बता रहा है कि आपका पर्पस है उसका फ्राइंग करने का पैन है तो यहाँ पे एक कंपाउंड नाउन है ऐसे ही आपसे एक्सपेक्टेड है कि आप सारे एक्सरसाइजेस करें और जो आपके डाउट होंगे वो आप कॉमेंट बॉक्स में डालिएगा तो आगे बढ़ते हैं करते हैं अपना नेक्स्ट रूल तो नेक्स्ट रूल क्या होता है हमारा एफोस्टफी और कंपाउंड डाउन तो आपने जरूर इंग्लिश में ये समझा होगा कि कभी कभी हम एफोस्टी और एस लगाते हैं किसी चीज का पोजेशन दिखाने के लिए तो उसके बेसिस पे हम कुछ नॉलेज यहाँ पे समझ लेते हैं कुछ पॉइंट्स यहाँ पे समझ लेते हैं तो वी यूज एफोस्टफी और एफोस्ट्रफी आफ्टर एस और बिफोर एस विद पीपल और लिविंग थिंग्स टू शो पोजेशन मतलब लिविंग थिंग्स के साथ जब भी किसी लिविंग थिंग की बात हो रही है किसी इंसान की बात हो रही है या किसी एनिमल की बात हो रही है तो उनकी जो पोजिशन दिखाते हैं हम किसी चीज के रिगार्डिंग तो हम एफोस्ट्रोफी का यूज करते हैं एफोस्ट्रॉफी एस ठीक है तो अगर कोई शब्द होता है जो एस से ही एंड होता है जैसे ग्रास तो उसके आगे हम एस एस एफोस्टोफी एस के बाद लगाते हैं अगर कोई शब्द होता है जो एस से एंड नहीं होता तो हम पहले एफोस्ट्रॉफी लगाते हैं फिर एस लगाते हैं ठीक है तो जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए गसिस कार गर्ल्स शूज ठीक है गर्ल्स क्योंकि एस से एंड हो रहा है तो फलोसोफी हमने बाद में लगा दी अगर क्योंकि गस एस से end हो रहा था, इसमें हमने पहले भी लगा दिया A dog's bark, ठीक है तो हम ऑफ शब्द का यूज करते हैं द लेग ऑफ द टेबल ठीक है तो जब हम नॉन लिविंग थिंग की बात करते हैं तब हम ऑफ का यूज ज्यादा करते हैं द लेग ऑफ द टेबल ठीक है हाउ एवर वी ऑफन प्रेफर टू यूज कंपाउंड नाउन अब कभी कभी हम ये भी देखेंगे कि हम ऑफ of का यूज ना करके हम कंपाउंड नाउंड का यूज करते हैं तो हम यहां पे बोल सकते हैं द टेबल लेग जैसे हमने पहले बोला था द लेग ऑफ द टेबल उसकी जगह हम द टेबल लेग भी बोल सकते हैं वी कैन से द वॉइस ऑफ अ मैन और अ मैन वॉइस नॉट अ मैन वॉइस ठीक है तो क्योंकि यहां पे थर्ड पॉइंट मेरा ये बोलता है कि क्योंकि यहाँ पे हमें एक मैन की वॉइस का पोजेशन दिखाना है तो यहाँ पे या तो हम द वॉइस ऑफ अ मैन बोलेंगे ऑफ का यूज करेंगे या फिर अ अ मैन वॉइस बोलेंगे का यूज करके लेकिन हम ये नहीं बोलेंगे अ मैन वॉइस ठीक है क्योंकि यहां से पोजेशन हम जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे सिमिलरली वी कैन से लेग ऑफ अ टेबल और टेबल लेग पर यहां पे हम अफोस्टॉफी नहीं लगाएंगे ठीक है तो यहां पे कुछ आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी जिससे आपको ज्यादा क्लियर होगा कि एफोस्टॉफी कहां लगाई जा सकती है और कहां पे हम इसको कंपाउंड नाउन से रिप्लेस कर सकते हैं तो उस पर बेस्ड अगेन कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं ठीक है वेयर इज द की ऑफ द कार ठीक है तो यहां पे द कार की बोला जा सकता है तो वेयर इज द कार की ठीक है सेकेंड सेंटेंस में वेयर इज द सर्जरी ऑफ द डॉक्टर तो अगर आपको इसको रिप्लेस करना होगा फोर्स्ट ऑफिस से या फिर एक कंपाउंड नाउन से तो कैसे करेंगे तो यहां पे हम लिख सकते हैं द द डॉक्टर्स डॉक्टर्स सर्जरी सर्जरी डॉक्टर एक लिविंग थिंग है doctor's surgery. ठीक है फिर द आइडिया ऑफ द कमिटी तो एक कमिटी है जिसका एक आइडिया है कमिटी अगेन लिविंग थिंग से बनी होती है तो हम क्या लिख सकते हैं कमिटीज आइडिया लिख सकते हैं ठीक है एक और एग्जांपल कर लेते हैं सिक्स uh, वाला करते हैं जैसे आई क्लीन द टॉप ऑफ द डेस्क तो यहाँ पे एक नॉन लिविंग थिंग है हाउ हम इसको एक कंपाउंड नाउन से रिप्लेस uh, कर सकते हैं तो द टॉप ऑफ द डेस्क को हम कैसे लिख सकते हैं डेस्कटॉप टॉप यहाँ पे हमने एक कंपाउंड नाउन का यूज कर लिया डेस्कटॉप तो यहाँ पे बन जाएगा आई क्लीन द डेस्क टॉप ठीक है तो अगेन आई होप आपको ये क्लियर होगा हमने तीन एग्जाम्पल कर लिए इनफैक्ट चार एग्जाम्पल कर लिए तो आप बाकी के सारे एग्जाम्पल्स ट्राई कीजिएगा और इस नाउन को और क्लियर कीजिएगा अपने लिए तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट नेक्स्ट रूल रूल की तरफ तो मेरा क्या कहता है कंपाउंड नाउन्स विच टेल एस अबाउट मटीरियल एंड सब्सटेंसेस ठीक है तो क्या होता है कि जो कंपाउंड नाउंस होते हैं हमारे वो हमें किसी चीज के मटेरियल या उस किस चीज से किस सब्सटेंस से वो बना है उसके बारे में बताता है तो पहला पॉइंट मेरा ये कहता है कि नेम्स ऑफ मटीरियल एंड सबेंसेस आर लाइक यूज देम फ्रॉम कंपाउंड नाउन ठीक है मतलब कि जैसे मैं यहां पे बोलूं गोल्ड वॉच ठीक है अब मान लीजिए मेरे पास एक वॉच है जो कि गोल्ड की, की बनी हुई है तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि गोल्डन वॉच मैं ये बोलूंगा गोल्ड वॉच ठीक है इसको हम और आगे समझेंगे तो ये मेरा एक कंपाउंड नाउन का एग्जाम्पल होगा सेंटेंस की तरह आई कांट अफोर्ड अ गोल्ड वॉच ठीक है

जो कि बहुत ही गोल्डन हो रहा है मतलब वो दिखने में बहुत ही गोल्डन कलर का हो रहा है आप इमेजिन कर सकते हैं जब सनसेट होता है तो थोड़ी देर के लिए बहुत ही गोल्डन सा व्यू हो जाता है तो वो यहाँ पे उसका जो गोल्डन फॉर्म है ई फॉर्म है शब्द का गोल्ड शब्द का जो ई फॉर्म है वो एक एग्जेक्टिव की तरह ये काम आ रहा है जबकि यहाँ पे वो एक मटीरियल बता रहा है खाली कि किस मटीरियल का वो बनी है एक वॉच ठीक है तो ये डिफरेंस होता है जब हम ये फॉर्म यूज करते हैं तो वो एक कंपाउंड नाउन होता है और जबकि ई e एन फॉर्म होता है वो एडजेक्टिव होता है इसीलिए हम कभी भी यहाँ पे गोल्डन यूज नहीं बोलेंगे कभी ये नहीं बोलेंगे कि आई कांट अफोर्ड अ गोल्डन वॉच ठीक है हम बोलेंगे कि गोल्ड वॉच क्योंकि मैं मटीरियल की बात कर रहा हूं और जबकि मैं गोल्डन सनसेट पर जब बात करता हूँ तो वो मेरी एक हो रही है बात किसी एक एडजेक्टिव की मैं बता रहा हूं कि एक सनसेट है कि जो कि बहुत ही गोल्डन लग रहा है ठीक है तो ये हमने ये रूल समझ लिया इसी के बेस पे हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं तो पहला क्वेश्चन मेरा कहता है अ रेनकोट मेड ऑफ प्लास्टिक तो इसको मैं अ प्लास्टिक रेनकोट कह सकता हूं है ना क्योंकि यहां पे मेड ऑफ यानी मटेरियल की बात हो रही है ठीक है सेकंड अ शर्ट मेड ऑफ सिल्क तो यहां पे मेरी सिल्क शर्ट होगी मैं सिल्की शर्ट नहीं बोलूंगा मैं बोलूंगा अ सिल्क शर्ट क्योंकि मैं यहां पे मटेरियल की बात कर रहा हूं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेयर लाइक सिल्क तो हेयर लाइक सिल्क को मैं कैसे आ, रिप्लेस कर सकता हूं मैं बोलूंगा सिल्की हेयर क्योंकि यहां पे क्वालिटी की बात हो रही है यहां पे मटेरियल की बात नहीं हो रही है ठीक है तो सिल्की हेयर नेक्स्ट मेरा है अ टेबल टॉप मेड ऑफ ग्लास तो यहां पे अगेन मटेरियल की बात हो रही है कोई एक टेबल का टॉप है जो कि ग्लास का बना हुआ है तो मैं यहां पे उसकी जगह रिप्लेस करके लिख सकता हूं ग्लास टेबल टॉप मैं ग्लासी नहीं बोलूंगा मैं ग्लास बोलूंगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन में है आईस लाइक ग्लास तो आंखें जस्ट जब कभी किसी की आंख भरी आती हैं भर जाती हैं तो उनको हम ग्लासी आइस बोल सकते हैं तो अगेन यहां पर क्वालिटी की बात हो रही है यहां पे ये यह नहीं बोला जा रहा है कि आंखें बनी हुई हैं कांच की ये बोला जा रहा है कि वो ग्लासी हो रखी है तो अगेन एक क्वालिटी की तरह यूज हो रहा है तो मेरे को एडजेक्टिव का फॉर्म यूज करना होगा ग्लासी आइस ठीक है तो आई होप आपको ये डिफरेंस समझ आया होगा कि कंपाउंड नाउन कब वो वाला फॉर्म यूज करना है कंपाउंड नाउन का और कब हमें फॉर्म यूज करना है एक एडजेक्टिवल फॉर्म ठीक है तो अब आगे पढ़ेंगे हम तो नेक्स्ट जो हमारा रूल है वो हमें डिफरेंस बताता है काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स के बीच में हमने समझ लिया कि कंपाउंड नाउंस क्या होते हैं और उनका डिफरेंस कैसा होता है किसी ऑब्जेक्टिव से और अब हम आगे बढ़ते हैं समझते हैं काउंटेबल नाउन्स को और अनकाउंटेबल नाउन्स को तो काउंटेबल अगर कोई नाउन है तो मेरा रूल ये कहता है कि वी कैन यूज ए एंड एन जो कि हमारे आर्टिकल होते हैं इन फ्रंट ऑफ इट एग्जाम्पल के तौर पर आई बॉट अ बुक ठीक है नेक्स्ट मेरा रूल ये कहता है इट हैज अ प्लूरल एंड कैन बी इन विद हाउ इसका मतलब यह हुआ कि किसी भी चीज को अगर मैं उससे उसके बारे में सोचूं कि मेरे सामने मान लीजिए एक पेन है तो हाउ मेनी पेन डू आई होल्ड राइट नाउ तो एक आपको उसका जवाब मिलेगा जब आप उसको पूछो कि हाउ मेनी ठीक है तो आपको एक नंबर आ सकता है आपके दिमाग में ठीक है? है. तो तो आप एक एक नंबर लगा सकते हो किसी के आगे. तो फिर वो आपका एक बनता सिमिलरली अगर हम इसी क्राइटेरिया से अनकाउंटेबल नाउन्स को देखें तो वी डू नॉट नॉर्मली यूज ए एंड एन इन फ्रंट ऑफ इट मतलब हम आर्टिकल्स का यूज नहीं कर सकते हैं उनके साथ एग्जाम्पल के तौर पर आई बॉट सम ब्रेड ठीक है तो ब्रेड एक अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन होती है उसकी स्लाइसेस काउंटेबल होती हैं लेकिन पूरी जो लोफ होती है उसको हम काउंट uh, नहीं कर सकते तो हम हमेशा उसके साथ डिटर्मिनेंट का यूज कर सकते हैं जैसे सम अ लिटिल अ फ्यू तो यहां पे आई बॉट सम ब्रेड इट डज नॉट नॉर्मली हैव अ प्लूरल एंड कैन बी यूज इन क्वेश्चन विद हाउ मच तो यहाँ पे हम हाउ मेनी का यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम काउंट तो कर नहीं सकते हैं हम यहाँ पे यूज करेंगे हाउ मच ठीक है तो वो मेरे अनकाउंटेबल यूज अनकाउंटेबल नाउन्स बनते हैं हाउ मच फ्रेड ठीक है लास्ट मेरा रूल अनकाउंटेबल के बारे में ये कहता है वी कैन नॉट नॉर्मली यूज अ नंबर इन फ्रंट ऑफ इट तो अगेन जैसे काउंटेबल की केस में मैंने आपको ये बताया था कि वन बुक टू बुक्स ठीक है वन पेन टू पेन हम काउंट कर सकते हैं वहां पे एक नंबर लगा सकते हैं उनके साथ यहां पे वो चीज पॉसिबल नहीं होती है जब हम अनकाउंटेबल नाउन्स की बात करते हैं यहां पे आपको नंबर uh, लगाना पॉसिबल नहीं होता है ठीक है तो अगेन इस तरह से हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल nouns के बीच में डिफरेंस देख सकते हैं और इसी के बेस पे आगे कुछ क्वेश्चन करते हैं ताकि ये चीज हमें और क्लियर हो तो यहां पे हमारा एक्सरसाइज क्या बोलती है नाउन इन ईच सेंटेंस राइट अर शो वे काउंटेबल और यहां पे जो भी नाउन हैं उनके आगे आपको ये बताना है कि वो वेदर एक काउंटेबल नाउन है या फिर अनकाउंटेबल नाउन है तो पहले एग्जाम्पल में दिस इज एन एक्सीट पेंटिंग ठीक है अगेन एक पेंटिंग की बात हो रही है उसके साथ एन भी लग गया है मतलब ये एक काउंटेबल नाउन हो गया ठीक है आई अगेन क्या मिल्क को हम काउंट कर सकते हैं नहीं तो ये एक अनकाउंटेबल नाउन हो गया ठीक है हाउ मेनी फोटोज डिड ही टेक तो अगेन यहां पे आप देख सकते हैं कि हाउ मेनी हम यूज कर पा रहे हैं फोटोज को हम काउंट कर सकते हैं कितनी वन फोटोज टू फोटोज थ्री फोटोज तो इसलिए क्योंकि एक एक काउंटेबल नाउन बन रहा है मेरा फोटोज ये एक मेरा काउंटेबल नाउन हो गया नेक्स्ट एड अ लिटिल मोर ऑयल ठीक है तो हम ये देख सकते हैं कि हम लिटिल जैसे डिटर्मनेंट का यूज कर रहे हैं हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते ऑयल को हम गिन नहीं सकते हैं वन ऑयल टू ऑयल ठीक है तो ये एक अनकाउंटेबल नाउन हो गया नेक्स्ट हिज ड्रॉइंग्स रियली इंटरेस्ट मी ठीक है तो यहां पे जो ड्रॉइंग्स है ये एक हमारा नाउन है अब क्या हम ड्रॉइंग्स को काउंट कर सकते हैं वन ड्रॉइंग टू ड्रॉइंग तो इसका जवाब बनता है हाँ हम ड्रॉइंग्स को काउंट तो कर सकते हैं इसलिए ये एक हमारा काउंटेबल नाउन हो गया ठीक है तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल को कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है आप खुद कीजिएगा हम बढ़ेंगे आगे नेक्स्ट रूल की तरफ तो नेक्स्ट रूल हमारा ये कहता है अनकाउंटेबल और काउंटेबल नाउन्स के बारे में कि कुछ हमारे नाउन ऐसे होते हैं जो कि यूसेज के बेसिस पे वो किस प्रेफरेंस पे किस रेफरेंस की तरह यूज करे जा रहे हैं कि सेंटेंस में उसके बेसिस पे वो अलग कैटेगराइज हो सकते हैं चाहे तो वो काउंटेबल भी बन सकते हैं और एट द सेम टाइम वो अनकाउंटेबल भी बन सकते हैं ठीक है एग्जाम्पल के तौर पे एन एग और एग तो मतलब अगर किसी एग को मैं सिंगल एक सिंगल आइटम की तरह कंसिडर करूं तब तो मैं उसे गिन सकता हूं तो वो मेरा उस पॉइंट पे एक काउंटेबल नाउन बन जाएगा पर अगर मैं एग को एज अ सब्सटेंस किसी एग्जाम्पल में यूज करूं तब वो मेरा एक अनकाउंटेबल नाउन बन जाता है ठीक है इसको हम आगे बेहतर समझते हैं एग्जाम्पल से तो पहला पॉइंट है सम नाउन आर काउंटेबल वेन दे रेफर टू सिंगल आइटम्स बट दे आर अनकाउंटेबल वेन दे आर रेफर टू एज सब्सटेंसेस जैसा कि मैंने आपको बताया तो मान लेते हैं चिकन शब्द है मेरा जो कि अगर मैं ऐसे बोलूं तो ही कि कितना एक पूरा चिकन राइट right? और जबकि मैं इसे एज अ सब्सटेंस यूज करूं अगर वोट यू लाइक सम चिकन किसी से अगर मैं पूछूं कि आपको कुछ चिकन चाहिए तो यहां पे मैं सम का यूज कर पा रहा हूं मैं हाउ नहीं As a substance, उसे कर रहा हूं तो यहाँ पे लाइक सम चिकन में जो चिकन जो मेरा शब्द है वो एक अनकाउंटेबल नाउन बनता है सिमिलरली आई हैड एग फॉर ब्रेकफास्ट ठीक है तो ये मेरा एक अनकाउंटेबल सॉरी एक काउंटेबल नाउन बनता है यहाँ पे क्योंकि आई हैड अ बॉइल्ड एग यानी मैं एक सिंगल आइटम की बात कर रहा हूँ जबकि मैं ये बोलू अगर देर एग ऑन योर टाई मतलब आपकी टाइप पे थोड़ा एग लग गया है तो यहां पे मैं एग को एज अ सब्सटेंस यूज कर रहा हूं वहां पे मैं सिंगल आइटम नहीं गिन रहा हूं तो यहां पे जो मेरा उसका यूसेज है वो एक अनकाउंटेबल नाउन का यूसेज बनता है सिमिलरली एक रूल यही ये यह भी बोलता है कि सम नाउन आर अनकाउंटेबल वेन दे आर रेफर टू एज अ मटीरियल बट दे आर काउंटेबल वेन दे रेफर टू एन ऑब्जेक्ट मेड फ्रॉम दैट मटीरियल ठीक है मतलब कि किसी मटेरियल की जब रेफरेंस में अगर किसी शब्द का यूज किया जाए तब वो अनकाउंटेबल बन जाता है लेकिन अगर कोई चीज बन रही है एक 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 बन रहा है, है। उसी material को करके, तब एक countable noun बन के आता है। Example के तौर समझते हैं। I broke a glass in the morning. मतलब मैंने एक single glass तोड़ दिया गलती से morning में। तो यहाँ पे एक काउंटेबल यूसेज बनता है ग्लास शब्द का जबकि अगर मैं ये बोलूं ग्लास इज मेड फ्रॉम सैंड एंड लाइम ठीक है ग्लास बना है एज अ मटीरियल बात कर रहा हूं मैं फ्रॉम सैंड एंड लाइम तो यहां पे वो एक अनकाउंटेबल यूसेज पे आता है सिमिलरली अगर मैं ये बोलता हूं आई पिक्ड अप अ स्टोन ठीक है तो यहां पे मेरे को अगेन अगर मैं पूछू हाउ मेनी स्टोन को उसका जवाब मिल पा रहा है यहां पे मैं बोल रहा हूं आई पिक्ड अप अ स्टोन वन सिंगल स्टोन में उठा पाया हूं तो यहां पे ये काउंटेबल नाउन बन जाएगा जबकि अगर मैं यहां पे बोलू वी यूज स्टोन टू बिल्ड वॉल्स तो यहां पे जो स्टोन का यूसेज है वो एज अ मटेरियल हो रहा है है ना तो यहां पे हम इसे काउंटेबल नहीं मानेंगे हम इसे बोलेंगे अनकाउंटेबल नाउन ठीक है तो आई होप अगेन ये रूल भी आपको क्लियर हुआ होगा अनकाउंटेबल और काउंटेबल नाउन के बीच में डिफरेंशियट करने का तो इसी के बेस पे एक और एक्सरसाइज क्विकली करते हैं यहां पे भी आपको सी लिखना है काउंटेबल नाउन के लिए और यू मेंशन करना है जो भी आपको अनकाउंटेबल नाउन लगे पहले क्वेश्चन में एड मोर अनियंस ठीक है एड मोर अनियन तो यहां पे एक अनकाउंटेबल नाउन बनता है क्योंकि हम एज अ मटीरियल एज अ सब्सटेंस रेफर कर रहे हैं Would you like some fish? तो यहाँ पे अगेन हम फिश को सब्सटेंस यूज कर रहे हैं हम काउंट नहीं कर सकते अगर आप यहाँ पे पूछो कि हाउ मेनी फिश तो उसका जवाब नहीं मिल रहा है आप बस किसी से पूछ रहे हो कि क्या उन्हें फिश चलेगी अभी खाने के लिए तो ये एक अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगा अगेन नेक्स्ट आई ईट टू एग्स एवरी डे अगेन तो यहाँ पे मैं क्वांटिफाई कर रहा हूँ कि मैं रोज दो अंडे खाता हूं तो इसका मतलब एक काउंटेबल यूज की तरह एक सिंगल आइटम की तरह हम कर रहे हैं एक काउंटेबल नाउन uh, बन के आता है ये ये मेरे सामने तो काउंटेबल नाउन हो जाएगा टू हैक इज इन गुड फॉर यू तो केक यहां पे अगर आप यूसेज उसका देखोगे तो केक का यूसेज हो रहा है एज अ मटीरियल यहाँ पे हम ये नहीं बोल रहे हैं कि कितना केक मतलब काउंट uh, नहीं कर सकते हैं एज अ मटीरियल यूज हो रहा है तो अगेन ये मेरे पास एक अनकाउंटेबल नाउन बन के आता है नेक्स्ट मेरा एग्जाम्पल है देव दे हैव बिल्ट अ न्यू मोटरवे तो अगेन एक तो आर्टिकल uh, लग रखा है तो सीधा सीधा मेरे को समझ आता है कि ये काउंटेबल नाउन होगा क्योंकि मेरे को यहाँ पे हाउ मेनी मोटरवे अगर मैं पूछूं तो मेरे को वन सिंपल जवाब मिल रहा है तो देव अ न्यू मोटरवे ये एक काउंटेबल नाउन बन रहा है तो ऐसे ही आप करिए बाकी सारे क्वेश्चंस को आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट रूल की तरफ तो अगला नाउन अगला रूल हमारा ये कहता है कि कभी कभी हमारे कुछ अनकाउंटेबल नाउन होते हैं आर एज काउंटेबल्स ठीक है तो कुछ हमारे सिनारियो के बेसिस पे हमारे चेंजेस हो सकते हैं ऐसे कि हम अनकाउंटेबल नाउन को भी काउंटेबल की तरह यूज कर सकें एग्जाम्पल के तौर तो पे हम शब्द लेते हैं कॉफी ठीक है तो कॉफी अपने आप में तो वैसे अनकाउंटेबल नाउन होता है पर ये एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं कॉफी इज इंपॉर्टेंट टू द इकोनोमी ऑफ ब्राजील ठीक है तो यहाँ पे कॉफी एज अ सब्सटेंस यूज हो रही है अगेन वो अनकाउंटेबल नाउन यूज होगा ठीक है सेकेंड एग्जाम्पल में भी इज एनी कॉफी अगर आप किसी से ऐसे पूछें एज अ सब्सटेंस पूछ रहे हैं ऐसा पूछ रहे हैं कि क्या कुछ कॉफी अवेलेबल है आईड लाइक सम कॉफी पी प्लीज तो यहाँ पे मैं ये दर्शा रहा हूं कि आईड लाइक सम कॉफी प्लीज मतलब मेरा मन uh, है कि मैं कॉफी कंज्यूम करूँ ठीक है तो अगेन एज अ सब्सटेंस मैं स्पेसिफाई कर रहा हूं तो यहां पे जो दोनों यूसेज बन के आते हैं वो एक अनकाउंटेबल यूज अनकाउंटेबल नाउन के यूसेज आते हैं लेकिन अगर इमेजिन करिए आप कहीं ऑफर कर ऑफर कर रहे हो या फिर आप ऑर्डर कर रहे हो कॉफी को तो आप बोलेंगे आईड लाइक अ कॉफी प्लीज और मे बी टू कॉफीज प्लीज वन कॉफी एंड अ ग्लास ऑफ मिल्क प्लीज ठीक है तो यहां पे आप क्वांटिफाई कर रहे हो उसे कि टू कॉफीज प्लीज राइट या फिर आई लाइक अ कॉफी प्लीज यहाँ पे आप एक सिंगल कॉफी मांगवा रहे हो टू कॉफी एंड अ ग्लास ऑफ मिल्क तो यहाँ पे वन कॉफी तो कभी कभी हमारे जो अनकाउंटेबल नाउन भी होते हैं वो एज अ काउंटेबल नाउन यूज हो सकते हैं डिपेंड करता है कि सेंटेंस का मतलब क्या है क्या सिनारियो बन के आ रहा है तो सिमिलरली एक एग्जाम्पल हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और आप नेक्स्ट एग्जाम्पल खुद कीजिएगा टी में से चुनने को तो आप क्या लिखेंगे आप ऐसे बोल सकते हैं like है ना तो यहाँ पे आप समी बोलेंगे है ना आप ऐसे रिक्वेस्ट करोगे कि आई लाइक सम टी क्यू क्योंकि जो टी है हमारा शब्द वो यहाँ पे एज अ सबस्टेंस यूज हो रहा है, है ना यहाँ हम आपको क्वांटिफाई नहीं करके दे रहे हैं कि आपको कितनी टी चाहिए आप बोल रहे हो कि टी आपको पीनी है कॉफी और टी में से आपकी चॉइस क्या है टी की है तो इस सेंस में हमारा अनकाउंटेबल यूसेज आता है इसका है ना और ऐसे ही आप नेक्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ सिनारियो को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए तो बढ़ते हैं अपने नए नेक्स्ट रूल की तरफ तो नॉर्मली काउंटेबल नाउंस यूज्ड एज काउंटेबल्स ठीक है अनकाउंटेबल नाउन्स यूज एज काउंटेबल्स तो कुछ हमारे अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं जैसे कि हम पढ़ते आ रहे हैं जो कि काउंटेबल की तरह भी यूज हो सकते हैं उसका एक और रूल समझते हैं वर्ड्स लाइक ऑयल एंड प्लास्टिक और सबस्टेंसेज एंड मटीरियल्स आर नॉर्मली यूजाउंटेबल ये तो हमने समझ लिया जैसे एग्जाम्पल में कह, कहते हैं कि ऑयल इज प्रोड्यूस्ड इन द नॉर्थ सी ठीक है तो यहाँ पर जो ऑयल का यूसेज है वो एज अ मटीरियल यूज हो रहा है इसका मतलब यहाँ पे वो अनकाउंटेबल नाउन की तरह यूज uh, किया जाएगा जबकि मैं ये भी बोल सकता हूं कि वी ऑफन यूज ए एंड एंड विद लाइक वी आर डिस्क्राइबिंग देम विद एन एडजेक्टिव अगर उस ऑयल या उस नाउन के आगे पीछे मैं किसी एडजेक्टिव को लगा देता हूं जैसे इसमें बोलते हैं कि द नॉर्थ सी प्रोड्यूस अ लाइट ऑयल विच इज हाईली प्राइज्ड इन दी तो उसके पीछे मैंने एक एडजेक्टिव लगा दिया यहाँ पे लाइट क्या हुआ मेरा एक एडजेक्टिव है ना तो जब मैं ये बोलता हूं द नॉर्थ सी अ लाइट ऑयल तब मैं उसे एक काउंटेबल uh, नाउन की तरह यूज कर सकता हूं ठीक है तो मेरे को प्रोड्यूसिस जरूर नोटिस करना है कि उसके आगे पीछे एक एडजेक्टिव होना चाहिए तब वो एज अ मटीरियल नहीं यूज हो रहा है ठीक है मैंने उसके आगे एडजेक्टिव लगा दिया तो एक काउंटेबल नाउन वो बन सकता है नेक्स्ट तो इस पे जैसे एक एग्जाम्पल कर लेते हैं द नॉर्थ सी प्रोड्यूसिस ऑयल यहां पे एडजेक्टिव हमें दिया गया है लाइट तो उसको यूज करके हमें इसे काउंटेबल में कन्वर्ट करना है द नॉट सी प्रोड्यूसेज अ लाइट ऑयल सिमिलरली नेक्स्ट एग्जाम्पल मेरा यह कहता है दिस रीजन प्रोड्यूसेज वाइन एडजेक्टिव हमें दिया गया है excellent. तो यहां पे अगर मुझे वाइन को काउंटेबल नाउन बनाना है तो मैं ये कह सकता हूं दिस रीजन प्रोड्यूसेज अफ एक्सिलेंट सॉरी एन एक्सीलेंट वाइन ठीक है तो यहां पे अब ये मेरा एक काउंटेबल नाउन बन गया सिमिलरली लास्ट वाला भी कर लेते हैं दिस बॉक्स इज मेड ऑफ वुड ठीक है एडजेक्टिव हमें दिया गया है रेयर ये एक हमारा एडजेक्टिव है तो इसको अगर मैं काउंटेबल नाउन में बदलूंगा तो मैं बोल सकता हूं दिस बॉक्स इज मेड ऑफ अ रेयर वुड ठीक है तो यहां पे अगेन एक ये मेरा काउंटेबल नाउन बन जाता है तो अगेन हमने ये समझा कि कभी भी अगर अनकाउंटेबल नाउन के आगे पीछे हम एक एडजेक्टिव का यूज करते हैं तो उसे हम एक काउंटेबल नाउन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं तो नेक्स्ट रूल पे आते हैं नेक्स्ट रूल मेरा ये कहता है काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स के बारे में कुछ काउंटेबल नाउन्स होते हैं जिनको हम अपने आप में तो अनकाउंटेबल लेते हैं सॉरी उनको सिंगुलर इक्वलेंट उनका होता है जिसको हम यूज करके उसे एज अ काउंटेबल यूज कर सकते हैं जैसे कि अ वर्ड लाइक ब्रेड इज अनकाउंटेबल ठीक है ब्रेड अपने आप में अनकाउंटेबल होती है लेकिन अगर हमें एक आइटम की बात करनी है फिर भी तो उसके साथ हम शब्द लगा सकते हैं आई लाइक अ लोफ ऑफ ब्रेड है ना जब मैं सिर्फ ब्रेड एज अ मटीरियल यूज करूंगा तो मैं बोलूंगा आईड लाइक सम ब्रेड प्लीज ठीक है वो एक अनकाउंटेबल सेंटेंस हुआ लेकिन जब मैं like तो ये पे एक सिंगल इक्विवेलेंट मैंने उसका ढूंढ लिया उसके हिसाब से मैं उसे एज अ काउंटेबल नाउन यूज कर सकता हूं समटाइम्स वी हैव टू से एग्जैक्टली वॉट वी वॉन्ट वी के नॉट से क्लोदिंग वी हैव टू आस्क फॉर अ पर्टिकुलर थिंग मतलब कभी आप मान लीजिए आप कोई कपड़ा खरीदने जाएंगे तो आप ये नहीं बोलेंगे कि यू वॉन्ट अ क्लोदिंग आपको एक पर्टिकुलर चीज चाहिए होती है एक शर्ट एक पैंट एक कोट एग्जैक्टली exactly, तो वो भी एक सिंगुलर इक्वेलेंट होता है आप नैरो डाउन करते हो आप एग्जैक्टली exactly बताते हो कि आपको कौन सी आइटम चाहिए तो इसीलिए ऐसे और भी बहुत सारे हमारे अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं जैसे लगेज एकोमोडेशन हो सकता है फर्नीचर हो सकता है फर्नीचर में आपके टेबल आ सकती हैं चेयर्स आ सकते हैं डेस्क आ सकते हैं तो आपको स्पेसिफाई करने के लिए एक सिंगुलर इक्वेलेंट का यूज करना होता है तो इसको हम बेहतर समझते हैं एग्जाम्पल्स के साथ तो आर यू गिविंग अवे ऑल दिस क्लोदिंग इन दिस क्लोथ ठीक है तो यहां पे आपको एक सिंगुलर इक्विवेलेंट लेना हो तो आप बोलोगे नो आई एम गिविंग अवे अ कोट ठीक है आपने स्पेसिफाई कर दिया तो ये एक काउंटेबल नाउन हो गया दूसरे एग्जाम्पल में देर इज अ लॉट ऑफ लाफ्टर फ्रॉम नेक्स्ट डोर आई जस्ट हर्ड अ लाउड तो इसके आगे आप क्या कर सकते हैं आई जस्ट हर्ड अ लाउड लाफ ठीक है

तो ये आपका एक सिंगल बन जाएगा। तो आई होप आपको ये वाला रूल भी क्लियर होगा स्टूडेंट्स पार्ट वन ऑफ नाउन हम यहीं पे रोकते हैं नेक्स्ट पार्ट में हम इसके आगे के और रूल समझेंगे तो अभी आप जुड़े रहिए इस सीरीज से और आई होप आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी तो आगे अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन वीडियोस को शेयर कीजिएगा एंड डू डू ट्यून इन फॉर द नेक्स्ट पार्ट थैंक यू स्टूडेंट्स